बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी लेक्चर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट टू, इन विच वी विल स्टडी द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दैट इंक्लूडिंग लंग्स एंड सम डिजीजेस, फ्लूरा एंड सम अदर illnesses of the respiratory system. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Let us see the contents. There are some contents that we have not studied. इसमें फ्लूरा हमने देखा अभी, lungs, bronchopulmonary segments, respiratory illnesses, viral infections जो common available हैं या diseases हैं वो हम देखेंगे. इसमें सबसे पहले हम lungs को डिस्कस करेंगे. What are the lungs? क्योंकि अपर पोर्शन का तो हमने किया है ट्रैकिया और कुछ चीज़ें हमने स्किप किए हैं यहाँ पे, डायरेक्टली ये लेके जा रहे हैं हमें उसकी तरफ. तो लिहाजा लाइक द हार्ट, ईच लंग इज सराउंडेड बाई विसरल एंड पैराइटल मेम्ब्रेन्स. इसमें विसरल और पैराइटल मेम्ब्रेन्स होती हैं. विसरल एंड पैराइटल फ्लूरा जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हार्ट में भी ये दो लेयर पाई जाती हैं. इस एक को कहते हैं विसरल, जो इनर मोस्ट लेयर होती है बिल्कुल हार्ट की, और लंग्स की भी बिल्कुल अंदरूनी जो लेयर होगी वो विसरल होगी. एंड पैराइटल प्लूरा जो है आउटर लेयर को कहते हैं. इनके दरमियान स्पेस होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, और प्लूरल फ्लूइड जो है इसके अंदर पाया जाता है जो इसकी फ्रैक्शन को कम करता है. हार्ट की में भी पढ़ा होगा आपने और यहाँ पर भी आपने पढ़ा है. दिस इज एनालॉगस टू द टू फिस्ट्स पुशिंग इन टू द टू बैलून्स. टू फिशेस ये पुश करता है, जैसे कि फिस्ट है उसके अंदर हम करते हैं. तो लिहाजा फिगर से आप देख सकते हैं. अब यहाँ पे फिगर थ्री में हम देखते हैं यदि प्लूरा होता क्या है, प्लूरा किसे कहते हैं. नॉर्मली देयर इज ओनली अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल प्लूरल लेयर्स के दरमियान पाई जाती है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. व्हेन फ्लूइड कलेक्ट्स एज एन इन्फ्लेमेशन उसको प्लूरेसी कहते हैं. जब इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे, ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरेसी कहेंगे. और या ट्यूमर अफियंस हैं, ट्यूमर की आप अफियन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्लूइड, निकाल रहे हैं ट्यूमर को चेक करने के लिए, तो उसे ट्यूमर या कैंसर अफियंस भी कहते हैं. ये हो सकते हैं क्योंकि हम उस वक्त कंडीशन को इसको चेक करते हैं कि नमोनिया है, टीबी है, ट्यूमर है या कोई और प्रॉब्लम है लंग का, जिसको हम टेस्ट करते हैं. इट करेक्टरिस्टिकली कलेक्ट्स बाई ग्रेविटी. ये करेक्टरिस्टिकली ग्रेविटी के थ्रू होता है. इन द कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, एक एरिया है जहाँ से, कोस्टो से मुराद है रिब्स, डायफ्राम, डायफ्राम्स और कोस्टो रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ से हम ये कलेक्ट करते हैं. वेयर इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई सरेंज, और ये सरेंज के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. फिगर में दिखाएंगे अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें. विसरल और फिगर थ्री है, विसरल प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा है. विसरल जो इनर मोस्ट लेयर है, देखिए लंग की इनर मोस्ट लेयर को हम इसको विसरल कहते हैं. विसरल कहते हैं हालू ऑर्गन्स को विसरल, और पैराइटल जो है आउटर वाली को कहते हैं, आउटर वाली जो लेयर होती है इसको कवर करती है. और ये दरमियान में जो स्पेस है, और यहाँ पे प्लूरल कैविटी है, प्लूरल फ्लूइड भी यहाँ पे फ्लो करेगा, इसके रिफ्रैक्शन को कम किया गया. और ये रिब्स को हमने काट के दिखाया हुआ है. 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स, ये काट के दिखाया हुआ है यहाँ से भी और यहाँ से. और ये ट्रैकिया है, दो हिस्सों में बाइफरकेट होगा, दो हिस्सों में. ब्रोंकस है, यानी प्राइमरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा राइट और लेफ्ट में. और दिस इज द डायफ्राम, इसको गौर से आपने देखना है. डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम. और डायफ्राम में ये अटैच, ये रेस्ट कौन सी चीज़ें कर रही है, इसकी कौन सी कर रही है, इसकी रेस्ट कौन सी कर रही है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस है, यहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं. ये 8th और 9th के दरमियान जो है रिब है, यहाँ से सुरेंज के जरिए, एक्सरे के जरिए देख के डलनेस जहाँ पे नज़र आएगी, तो ये हम यहाँ से कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस से जो प्लूरल इफियन है, जो फ्लूइड यहाँ पे जमा होगा, उसको हम निकाल के टेस्ट करेंगे कि इधर इसमें कैंसर है या कोई और डिजीज़ है. जैसे प्रीवियस फिगर में भी आपको दिखाया गया कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस के बारे में बताया, ये भी हमने बात कर ली. अब है टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटीज हैं, कैसे ली जाती है, कौन सी रिब से ली जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, फिगर में दिखाई गई है.
दी लेवल ऑफ फ्लूइड कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड ऑन एक्सरे, एक्सरे से देखा जा सकता है, या नोटिंग आर बाई नोटिंग एरियाज ऑफ डलनेस अपॉन परकशन ऑफ द बैक ओवर द लंग, बैक साइड से आप इसको लंग के ऊपर परकशन करके डलनेस देखेंगे, जहां जहां आप नजर आएगा वहां से हम इसको कलेक्ट करेंगे। ये प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को कलेक्ट करने का तरीका बताया हुआ है। यूजुअली द एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन द एट्थ एंड नाइन इज चूजन, ये जो एट्थ और नाइन के दरमियान रिब है उसको चूजन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और वहां से सैंपल लिया जाता है। बड़े केयरफुल तरीके से सैंपल लेते हैं, ऐसे नहीं होता आसान, तो जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट है वो लेगा। इसके बाद द नीडल इज इंसर्टेड इनटू द एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नीडल जो है एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, उनके दरमियान स्पेस में करेंगे, ना कि इंटरकोस्टल्स को डायरेक्ट हम टच करेंगे। उनके दरमियान जो स्पेस होती है, टू रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है, इसे कहा जाता है इंटरकोस्टल स्पेस। कोस्टल हम पहले बता चुके हैं, रिब्स को कहा जाता है। जस्ट ओवर रिब नाइन रादर देन जस्ट अंडर रिब एट इन ऑर्डर टू अवॉइड हिटिंग द वैन, वो कहते हैं ना कि आप रिब के ऊपर दबाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, आप उनके दरमियान के स्पेस से करेंगे, जगह से, जिसे वैन कहते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं रिब्स के अंदर, जो ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। क्या क्या गाड़ियाँ हैं उसमें? एक इंटरकोस्टल जो वेन होती है, एक इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, एक इंटरकोस्टल नर्व होती है, और भी लिम्फेटिक्स और बाकी चीज़ें भी गुजरती हैं, इसलिए उसको हिट नहीं करना। ये इनके दरमियान स्पेस होती है, वहाँ से आपने फ्लूइड को लेना है। दैट रन्स अंडर ईच रिब, ईच रिब के साथ वो रन करती हैं, तो हर रिब के साथ ये चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए वहाँ पे हिट नहीं करना, कट नहीं करना। ये है कि उनके स्पेस के अंदर से आप सैंपल ले सकते हैं। हियर आई हैव शोन द फिगर, यहाँ पे दिखाई गई है, ये रिब है, कोस्टल ग्रूव है, यहाँ पे इंटरकोस्टल वेन है, आर्टरी और नर्व यहाँ से गुजर रही हैं आपके सामने। इंटरकोस्टल जो है इंटरनल इंटरकोस्टल है, ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल जिस जगह है यहाँ पे दिखाएगी, इनके दरमियान कहीं आप कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दिखाई है। और यहाँ पे फिगर में गौर से देखें तो ये पैराइटल प्लूरा है और ये रिब है, रिब के दरमियान एट्थ और नाइन के दरमियान, यहाँ पे बिल्कुल करीब से इसको गुजारना है और यहाँ से रिसेस में से आपने वो सैंपल ले लेना है, जो डॉक्टर होगा स्पेशली। अगर रिब में से गुजरेंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखें वैन जा रही है, यहाँ पे वैन से मुराद है वेन, आर्टरी और नर्व होगी, इसलिए उनसे बचने के लिए ये बताया गया है कि आप एहतियात करें। यहाँ पे केयर मस्ट बी टेकन टेकन नॉट टू पंक्चर द लंग, अगर लंग को किसी ने पंक्चर कर लिया, दिस में लीड टू लीकेज ऑफ एयर बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा एंड कोलैप्स ऑफ द लंग, जिसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ये देखिए कोलैप्स हो गया लंग्स, ये जगह इतनी छोटी होगी, ये खतरनाक हो सकता है, कोलैप्स ऑफ द लंग है, इससे बचने का है। यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स दिखाया गया है, कोलैप्स हो गया, इसको ख़ास तौर पे केयर करना पड़ेगा कि आप जब उसमें से सैंपल लें तो केयरफुली लें और वहाँ पे कोलैप्स ना कर जाए वहाँ पे। तो लिहाजा इसके बारे में भी स्पेशल बताया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है फिगर फाइव, ग्रॉस टोपोग्राफी ऑफ द लंग एंड एसोसिएटेड ब्रोंकाई, ये ग्रॉस टोपोग्राफी ऑफ द लंग और एसोसिएटेड ब्रोंकाई की बताई। फॉर ओरिएंटेशन समझाने के लिए द ट्रैकिया बाइफरकेट्स, आपको पता है कि ट्रैकिया से जब नीचे आते हैं बाइफरकेट होगा, स्टर्नल ऑफ एंगल ऑफ लुइस में होता है। बाइफरकेशन कहाँ पे हो रही है? एक एरिया है जिसका नाम मैं दिखाऊंगा, यानी स्टर्नम का है, स्टर्नल से स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस, जंक्शन बिटवीन द मेनोब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान होता है। ये फिगर पर दिखा दूँ आपको, फिर आने जाएंगे। ये जी एक स्टर्नम है, इंटीरियर व्यू ऑफ द स्टर्नम, दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द स्टर्नम। सबसे ऊपर वाले ये अटैचमेंट्स हैं, क्लेविकुलर नाच है जहाँ पे अटैच होती है, जुगुलर नाच है, यहाँ जुगुलर वेन गुजरती है, फिर मेनोब्रियम है जो ऊपर उभार सा नजर आ रहा है, मेनोब्रियम है, स्टर्नल एंगल है, यहाँ यहाँ पे बाइफरकेशन होती है इस एरिया में, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस जगह पे दो हिस्सों में ये बाइफरकेट हो रही है ट्रैकिया और ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगी। ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, ये ज़िफॉइड प्रोसेस है, बहुत आसान सा है ये। यहाँ पे देखें जुगुलर नाच और ये सारी चीज़ें बताएं, ये रिब्स यहाँ से काट जाती हैं, तो ये दरमियान से जब ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ से काटते हैं, रिब्स को नहीं काटते बल्कि ये जो स्टर्नम है इसके दरमियान से काट देते हैं, जिससे दो हिस्से में इनको डिवाइड कर देते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं हार्ट का, लंग का, किसी भी चीज़ का। फिर हम जाते हैं दोबारा उस फिगर में जिसमें फॉर ओरिएंटेशन द ट्रैक बाइफरकेट्स एट द स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस जंक्शन बिटवीन द मेनोब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, द राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज स्लाइटली वाइडर, राइट वाली जो स्लाइटली वाइडर है, बड़ी है,
जैसे राइट वाली राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड हैज ए स्लाइटली स्टीपर डाउनवर्ड एंगल देन द लेफ्ट, उसको लेफ्ट को बचाया गया है थोड़ा सा. व्हाई आई शैल एक्सप्लेन के एज ए रिजल्ट फॉरेन बॉडीज मोर फ्रिक्वेंटली लार्ज ऑन द राइट साइड पे ऊपर ज्यादा जाती है, लेफ्ट साइड को बचाया जाता है. क्यों? लंग को अल्लाह ताला ने बनाया इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड बॉडी में हार्ट इज प्रेजेंट नियर दिस लंग, हार्ट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट लंग, तो इसलिए उसका एक लोब का भी काम करता है लंग, जब मूव करवाता है या हर हरकत करता है तो उसमें भी एक हेल्प करता है. इसलिए राइट साइड को उन्होंने स्टीपर कर दिया, बड़ा कर दिया, थोड़ा साइज उसका वाइडर कर दिया कि जो भी चीज़ जाए तो राइट में जाए, लेफ्ट में ना आए, क्योंकि वहाँ पर अगर आएगा लंग का प्रॉब्लम होगा तो लिहाजा हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ, क्योंकि अटैच है वहाँ पे एब्सेस जा सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो फैल सकता है. तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है आपके, अल्लाह ताला ने बचाया है. अब ये भी मैं बता चुका हूँ एक्सप्लेन था, ये कोस्टल कार्टिलेजेस जो कोस्टल हम किसे कहते हैं रिब्स की जो कार्टिलेजेस होती है, स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस यहाँ पे बताया गया. ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर है आई थिंक आपको. नेक्स्ट हम जाते हैं एज द हार्ट इज लोकलाइज मोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स. ये भी हर किसी को पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है हार्ट. राइट लंग अपसेट अबाउट इट्स लैक ऑफ हार्ट, क्योंकि राइट साइड पे हार्ट मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, उसकी कंपनसेशन के लिए उसको एक्स्ट्रा लोब दिया जाता है. उसके तीन लोब्स होते हैं राइट जो लंग के, जबकि लेफ्ट लंग के टू लोब्स होते हैं, ये जहन में रखें. इससे मुराद ये हुआ एज द हार्ट इज लोकलाइज मोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स राइट लंग अपसेट अबाउट इट्स लैक ऑफ हार्ट. इसमें हार्ट नहीं है, एक लोब उसका काम हार्ट कर रहा है लेफ्ट वाले का, तो राइट वाले को एक एक्स्ट्रा लोब दिया जाता है कि आप बैलेंस हो जाएं, आप भी ना घबराएं, आपको कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा हम दे देंगे. देयर आर थ्री लोब्स ऑन द टू द राइट लंग एंड द टू टू द लेफ्ट, ईच लोब कंटेनिंग कोरिस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी लोबर ब्रोंकाई इसमें होती है. हर लोब के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई की जो डिवीजन है एक दफ़ा होगी, फिर अगली दफ़ा जब होगी तो वो इस लोबर के अंदर आ जाती है, लोब्स के अंदर. एंड टर्शरी लोबर ब्रोंकाई होते हैं, फिर उससे आगे मजीद डिवीजन होती है और फिर जाके एल्वुलाई तक भी पहुंच जाते हैं, एल्वुलस. ब्रोंकाई कंटिन्यू टू सब डिवाइड, यानी कि ब्रोंकाई ख़त्म हो जाती है, बिकमिंग माइक्रोस्कोपिक ब्रोंक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं वो, जिसे हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो ब्रोंक्यूल्स नज़र आ जाती हैं, बनती हैं, एंड अल्टीमेटली एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाएंगी. ये तो हर किसी को पता है, एक डिवीजन का प्रोसेस है, सिस्टम है. वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स विद द ब्लड, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अकर होता है ब्लड के दरमियान, एल्वोलाई के दरमियान या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के दरमियान होता है. द थ्री लोब्स ऑफ द राइट लंग आर नॉट सिंपली स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक पहला ऊपर वाला है लोब या दूसरे वाला है या तीसरे वाला है. ये कह रहे हैं कि मिडल लोब जो है वो रेस्ट करता है डायफ्राम के ऊपर, ना कि आप कहते तो इन्फीरियर वाले को करना चाहिए जो नीचे वाला है, लेकिन ये मिडल लोब जो है राइट लंग की बात कर रहा हूँ वो डायफ्राम के साथ रेस्ट करता है या टच करता है, ये कहने का मकसद है कि रेस्ट करेगा. अब हम यहाँ से फिगर से देख सकते हैं कि ये ट्रैकिया है और राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके सामने नज़र आ रही है. ये एक हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये फिशर है जो डिवीजन करते हैं लंग्स की. इसके बाद मिडल लोब है, ये मिडल लोब जो है इसके साथ अटैच होगा विद दी डायफ्राम. और ये लिंगुला होता है, ये नॉच है, कार्डिक नॉच है जहाँ पे हार्ट मौजूद होता है, और ये जो है लिंगुला है और ये बेस है इसकी. ऑब्लिक फिशर जो है मिडल लोब है, ये इसके साथ टच होगा. और यहाँ पे कौन सा टच होगा, ये लिंगुलर टच होगा डायफ्राम के साथ, क्योंकि डायफ्राम बिल्कुल इसके साथ अटैच होता है, अंदर होता है. और इन्फीरियर लोब भी यहाँ पे कुछ मौजूद है, कार्डिक नॉच है. टू फिशर्स इसमें होती हैं, इसमें वन फिशर होता है, एक फिशर है. देखें यहाँ पे दो फिशर दिखाए गए, लोब यानी इनके तीन है, इसके दो लोब हैं, ये कहने का मकसद. इसके थ्री लोब्स हैं, इसके टू लोब्स हैं, सुपीरियर इन्फीरियर मिडिल. इसमें सुपीरियर इन्फीरियर लिंगुला, ये लिंगुला को भी एक लोब का काम दे रहे हैं हार्ट के साथ है. लॉन्गर एंड नैरोअर स्मॉलर एंड लाइटर प्रेजेंस ऑफ कार्डिक नॉच, एक कार्डिक नॉच भी है, स्मॉलर एंड लाइटर भी होता है और एक कार्डिक नॉच भी यहाँ पे मौजूद होती है. इस साइड पे देखें तो शॉर्टर वाइडर एंड हैवियर होता है, ये इनकी जो ब्रोंकाई होती है इसकी शॉर्टर होगी, राइट की वाइडर होगी एंड हैवियर होगी, बड़ी होगी.
यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कार्डिक नॉच है, इसलिए यहाँ पे वाइडर नहीं होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, स्मॉलर होगी। इसलिए पहले भी बता चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में कि अल्लाह ताला ने राइट साइड को जो है ना ज़्यादा वाइडर कर दिया लेफ़्ट साइड को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हार्ट मौजूद होता है। अब ईच हाइलम ऑफ द लंग, ये हाइलम कहलाता है जहाँ से ओपनिंग होती है, लंग के अंदर कोई चीज़ दाखिल होती है या बाहर निकलती है, उसको हाइलम कहते हैं। जैसे हाइलम ऑफ द किडनीज भी देखा था, हाइलम ऑफ द किडनीज, हाइला इज द प्लूरल फॉर्म, हाइलम इज द सिंगुलर फॉर्म, इसको एक हाइलम हम एक की बात करते हैं। प्रिंसिपल ब्रोंकाई इसमें जा रही है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी इसमें एंटर हो रही है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी भी दाखिल होती है उसके अंदर ब्रोंकाई में, टू पल्मोनरी वेन्स भी जाती हैं, क्योंकि ईच लंग में हार्ट की तरफ जो आती हैं आर्ट्स हैं और वापस लेके जाती हैं उसको ब्लड, उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, आपने इसमें हार्ट में पढ़ा होगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। इसके पल्मोनरी ऑटोनोमिक प्लेक्सेस होती हैं, ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं, जो ब्रोंकियल वेसल्स वो होती हैं पल्मोनरी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती हैं विद द हार्ट, ब्लड के दरमियान जो होती है। और जो ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं ये ब्रोंकियाई को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो हमारे लंग्स हैं वो भी तो ऑक्सीजन उसको भी मिलनी चाहिए, ब्लड भी मिलता है, जैसे हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करती है, उसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरीज कहलाएंगी, ब्रोंकियल वेसल्स कहलाएंगी, ब्रोंकियल वेन्स कहलाएंगी, जो ब्रोंकाई को लंग्स के पार्ट्स को दे रही हैं, ये भी लंग्स का हिस्सा है ब्रोंकाई, तो लिहाजा उसको जो दे रही हैं ब्रोंकियल वेसल्स कहलाएंगी। पल्मोनरी ऑटोनोमिक प्लेक्सेस होती हैं जो ऑटोनोमिक का काम करती हैं, यहाँ पे लंग्स में वेगस नर्व है, दूसरी नर्व जो आती हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वेसल्स हैं उनकी, ये भी काम करती हैं यहाँ पे। अब ये फिगर का समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त देखा जाए तो ये ऊपर से आप देखें लंग्स की ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ये ऊपर वाला एपिक्स कहलाता है, ये सुपीरियर लोब है, ये मिडल लोब है जो रेस्ट करता है, जिसे बेस कहते हैं, ये डायफ्राम के साथ रेस्ट करता है, ये डायफ्राम के साथ रेस्ट करेगा, और यहाँ पे लिंग्यूला जो है ये रेस्ट करता है विद डायफ्राम, और ये इन्फीरियर लोब है, हॉरिजॉन्टल फिशर है, इसमें तीन लोब्स होते हैं, इसलिए फिशर यहाँ पे इसको डिवाइड करने वाला होता है, आपको नज़र आएगा कि अंदर डिप्रेशन हैं, इस डिप्रेशन को जब डिवाइड करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये उसे हम जैसे कि हमने उसमें सल्कस में पढ़ा था, सल्कस ब्रेन में पढ़ा था, उससे फिशर बनते हैं, जो डिप्रेशंस को सल्काई ज़्यादा डीपर चला जाए उसे फिशर कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग्यूला अटैच होगा, यहाँ बेस होगा, ये इन्फीरियर लोब ओब्लीक फिशर है, दो इसमें लोब होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, ये डिवीजन होती जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल, ये लेटरल व्यू है थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ओब्लीक फिशर है कुछ जो है ना, और ये ओब्लीक फिशर इस लेफ्ट लंग में होता है। ये भी सादा फिगर आपको मैंने दिखाई है, जिसमें पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, एल्वियोलस है, कैपिलरीज हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पे होता है एल्वोलाई के अंदर, ये एल्वोलाइज है, एल्वोलर सैक्स है, और ये बाकी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, इसको एक कट सेक्शन करके उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने समझा इन पॉइंट्स को, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि कैसे इसके साथ ये काम करते हैं। यहाँ पे कंसिक्वेंटली एन एब्सेस फ्रॉम लीवर मे एक्सटेंड थ्रू द डायफ्राम एंड कॉज ए राइट मिडल लोब नमोनिया, राइट मिडल लोब इज अटैच्ड विद द डायफ्राम, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, फिर उसको गौर से समझें। डायफ्राम का जो राइट साइड पे जो लंग है राइट साइड वाला, उसका जो डायफ्राम के साथ अटैच होता है कौन सा लोब होता है, मिडल लोब जो है वो अटैच होता है राइट लंग का। वहाँ से अगर बंदा सोता है तो देखें आप लीवर जो है बिल्कुल राइट साइड पे मौजूद है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे है, तो जब बंदा सोता है या कोई एब्सेस हो जाती है लीवर की, कोई डिजीज़ हो जाती है वहाँ पे, फ्लूड जमा हो जाता है, तो वो ट्रांसफ़र करके इन्फेक्शस है, कोई इन्फेक्शन है, वो ट्रांसफ़र करके राइट लंग की तरफ आ जाता है। राइट लंग की तरफ जब आता है तो वहाँ पर नमूनिया काज कर सकता है, ये कहने का मकसद है। फिर से आप और से समझें कि कंसिक्वेंटली एन एब्सेस, कोई भी एब्सेस फ्लूड है फ्रॉम द लीवर, मे एक्सटेंड जा सकता है थ्रू द डायफ्राम, डायफ्राम के थ्रू, एंड काज ए राइट मिडल लोब नमूनिया, और राइट मिडल लोब नमूनिया भी काज कर सकता है। समटाइम्स कैंसर ऑफ द ये लीवर होता है या कोई ऐसा होता है जिससे ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है लंग्स की तरफ, और मिडल लोब इसमें अफेक्टेड होता है, क्योंकि मिडल जो लोब है राइट साइड वाले का वो ज़्यादातर डायफ्राम के साथ अटैच होता है मिडल, ये कहने का मकसद है। यहाँ पर पीछे भी मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, ये भी बता कि मिडल लोब इज अटैच्ड या बेस जिसे हम कह रहे हैं, ये डायफ्राम के साथ अटैच होता है, यहाँ पे डायफ्राम होगा,
जैसे ये डायफ्राम दिखाया गया है, ये अटैच हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा पोर्शन इसका आ रहा है, मिडिल का आ रहा है। इससे मुराद है कि आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि मिडिल लोब में नमूना कैसे हो रहा है, लिहाजा इसकी ये रीज़न मैंने बताई है। लेंग्यूला ऑफ द लंग, लेफ्ट लंग, लेंग्यूला की भी बात हो चुकी है क्योंकि ये हार्ट वाली साइड पर लेंग्यूला होता है और ये अटैच होता है डायफ्राम के साथ, रेस्ट करता है। लिंगुला ऑफ द लेफ्ट लंग इज दैट पार्ट ऑफ द लेफ्ट अपर लोब विच इज होमोलोगस विद द राइट मिडिल लोब, राइट मिडिल लोब के साथ होमोलोगस यानी अटैचेस या टचेस द डायफ्राम जो इसके साथ रेस्ट करता है, टचेस करता है, रेस्ट करता है, कोई भी नाम दे सकते हैं, अटैच होता है उसके साथ क्योंकि सांस लेने में डायफ्राम का भी बड़ा रोल है, फ्रीनिक नर्व वहाँ पर काम करती है। इन फिगर फाइव यहाँ पर हम देखेंगे, नोट दैट इट इज ईजिएस्ट टू एग्जामिन द इन्फीरियर लोब्स फ्रॉम द बैक। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि इन्फीरियर लोब्स को अगर आपने देखना है तो पिछली साइड पे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है, चेक करता है कि हाँ हाँ पिछले वाले साइड पे जो लोब्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या सामने वाले इंटीरियर वाले सही काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, वो लोब्स के अंदर देखना चाहते हैं कि ये वर्किंग सांस सही ले रहा है या नहीं ले रहा। लिहाजा यहाँ पे फिगर फाइव दिखा रहे हैं, नोट दैट इट इज इजिएस्ट टू एग्जामिन द इन्फीरियर लोब्स फ्रॉम द बैक एंड द सुपीरियर लोब्स फ्रॉम द फ्रंट यूजिंग स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप के जरिए आप पीछे से ये देखें, पिछली साइड पे ओब्लीक फिशर, ये फिशर जो देखना आसान हो जाता है, ये इन्फीरियर लोब है, इसको पिछली साइड से देखना आसान होगा जबकि सामने से इसको दूसरे जो हैं लोब्स उनको देखना आसान हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ रहा है, इसमें देयर आर 10 टर्शरी ब्रोंकाई ऑन द राइट एंड द 9 ऑन द लेफ्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम इसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं, कहीं पे 8-9 लिखे हुए हैं, कहीं पे 10 लिखे हुए हैं, कहीं पे 11, ये डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ये बताया हुआ है देयर आर 10 टर्शरी ब्रोंकाई ऑन द राइट एंड द 9 ऑन द लेफ्ट। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो आ रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक डॉक्टर जो सर्जन है उसको ये पता होना ज़रूरी है, फिजिशियन को भी पता होना ज़रूरी है। ईच इज़ एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पर मौजूद होते हैं। इसमें 10 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं और उसमें ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, एक में 9 और एक में 9, एक में 10 होते हैं। तो ये फिगर में नेक्स्ट हम बताएंगे अभी। तो ये एब्सेस के बारे में जो प्रीवियस मैंने फिगर यहाँ पर बताई हुई है, पायोजेनिक एब्सेस पस फील्ड कैविटी मे बी कॉज बाई एन इन्फेक्शन ड्यू टू इलनेस आर ट्रामा। ये कोई एब्सेस है लीवर में हुआ है तो ऊपर ट्रांसफ़र करके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, इसके लोब्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये ट्रांसफ़र करके लंग्स की तरफ लेके जा सकते हैं। ये फिगर 6 को अब एक्सप्लेन करेंगे हम इसको क्लियरली। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये स्कीमेटिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का बताया हुआ है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे कि क्या ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। ब्रोंको से मुराद ब्रोंकाई इसमें जाती है, पल्मोनरी से मुराद ऑक्सीजन सप्लाई, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है हार्ट और लंग्स और ब्लड के दरमियान वो पल्मोनरी कहलाता है। ब्रोंको इसकी अपनी भी ब्लड सप्लाई करनी है, उनका एक सेगमेंट का नाम दिया गया है जिसे लंग ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। अब आपको मेरे ख्याल में मजीद समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा सेपरेट द इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इनके दरमियान कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होते हैं जो इनको एक दूसरे सेगमेंट से सेपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम सेगमेंट रखा गया। वरना अगर अलग-अलग सेगमेंट में ये काम ना होते तो सेगमेंट नहीं होना चाहिए था, एक ही कंपार्टमेंट होता। ये बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, 9 या 10 होते हैं, राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लिहाजा उनमें जो ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा सेपरेट द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। इसको आप जरा यहाँ से रीड कर लें, फिर आगे हम फिगर में देखेंगे उसमें क्या ये बताते हैं। स्ट्रक्चर्स एंटरिंग दी सेगमेंट, जो सेगमेंट के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये क्या लेके आ रही है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, और से समझें, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग। ब्रोंकियल आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यानी वहाँ पर जाएगी जो ब्रोंकाई को सप्लाई कर रही है, उसको भी तो ब्लड हमें हार्ट दे रहा है तो सप्लाई करनी है। और टर्शरी ब्रोंकस है, इनकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई की टाइप है ब्रोंकस, यहाँ पे ये भी मौजूद होती है एक सेगमेंट के अंदर। एंड इट्स सब डिवीजन भी होती हैं, सब डिवीजन से मुराद है कि मजीद सब डिवाइड होगी, एल्वोलाई भी होंगी, बाकी चीज़ें भी इसमें मौजूद होंगी।
टेंड टू लाई सेंट्रली, ये वाली जो चीजें नजर आ रही हैं जो सेप्टम के साथ जा रही हैं, एंटर हो रही हैं उसके अंदर, वो सेंट्रली लाई करेंगे, दरमियान में लाई करेंगी। जैसे कोई भी ओपनिंग है उसके दरमियान में जाएंगी, ये नहीं कि कॉर्नर पे चली जाएं, उसकी वॉल्स के साथ चली जाएं, ये नहीं होगा। उनकी सेंट्रली जाएंगी क्योंकि यहाँ पे इसको स्पेस चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे होना है, इसलिए वो सेंट्रली जाएंगी। जितनी बड़ी स्पेस होगी उतनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो है वो आसानी से हो जाएगी। स्ट्रक्चर लीविंग दी, जो बहर आ रहे हैं वापस आ रहे हैं इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से, जो स्ट्रक्चर बहर आ रहे हैं उनमें पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। अब एक एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैक ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है ये जाएंगी लंग हार्ट की तरफ, और हार्ट जो है बाकी सारे ब्लड को सप्लाई करेगा टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्फेटिक्स भी इसमें निकलेगी वापस, लाई नियर द सेप्टम, नियर द सेप्टम भी अगर चली जाए तो कोई मसला नहीं, इसको एक्सचेंज तो नहीं करवाना ना, तो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको एक्सचेंज करवाना होता है, इसलिए वो दरमियान में लाई करते हैं। जबकि जिसको वापस जाना है तो कोई भी रास्ते से ले जाएं, कोई इसमें तब्दीली तो नहीं आनी, वो आसानी से वापस जा सकता है, वैक्सीन तो नहीं करना है, वहाँ पे स्पेस चाहिए। डिजीजेस प्रोसेस सच एज इन्फेक्शन, डिजीज प्रोसेस सच एज इन्फेक्शन हो, टीबी हो, नमोनिया हो, कोई भी हो, जैसे आजकल कोरोना की वजह से नमोनिया हो रहा है, वायरल नमोनिया, नमोनिया है उसे कहेंगे, या बैक्टीरियल नमोनिया भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो लिहाजा इन्फेक्शन हो जाता है या ट्यूमर हो जाती है, कैंसर को कहते हैं न्यूप्लेजिया, न्यूप्लेजिया जिसे हम कैंसर कहते हैं, एंड कोलैप्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ द लंग, कोई अगर पोर्शन हो जाता है एटीलेक्टेसिस उसे कहते हैं, डिजीज का नाम है। कॉमनली रिमेन कन्फाइंड टू इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ये वाली जो चीज़ें हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर कन्फाइंड रहती हैं, यानी इसको तब्दील नहीं करना होता, यानी एक अगर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया है तो उधर ही रहेंगी, उन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को डॉक्टर सर्जरी के जरिए उसको सेपरेट कर सकता है कि ये चीज़ ख़राब है इसको फेंक दे, बाकी जो लंग्स है वो काम करेंगे। इसका मतलब है कन्फाइंड टू इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में रहेंगी। कुछ ऐसी डिजीजेज़ हैं फॉर एग्जांपल टीबी है या और कैंसर्स हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के, जो कि वो लंग्स के दूसरे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सेप्टम को तोड़ेंगे दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अगले में दाखिल हो जाएंगे, और इससे पूरा लंग जो है वह अफेक्ट हो सकता है, कैंसर में जा सकता है या टीबी में जा सकता है, खतरा हो सकता है उसमें। तो लिहाजा इसको डॉक्टर जो सर्जन है, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है या थोरेसिक सर्जन है, वो इसको डिटेक्ट करेगा कि ये कौन सा इन्फेक्शन है और कहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्या उस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को सेपरेट किया जा सकता है या नहीं, वो बताएगा। तो ये फिगर मैं पहले दिखा दूँ क्योंकि हमें इस तरह नहीं समझ आएगी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है ज़िगोट वेन का, यहाँ पर बताया हुआ है, ये हमारे पास है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, दिस इज फिगर 6 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये सेप्टम है, ये सेप्टम एक है, ये सेप्टम दूसरा है, ये सेप्टम तीसरा है, और ये विसरल वॉल है क्योंकि लंग का अंदरूनी वॉल के अंदर ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए विसरल वॉल हो, इसके बाहर वाली जो वॉल होगी पैराइटल वॉल हो। इसके सेंट्रली में दरमियान में क्यों आ रहे हैं, इतनी स्पेस इसको क्यों दी जा रही है, क्योंकि इसमें पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्रोंकियल आर्टरी है, इसमें ब्रोंकियोल्स हैं जो कि ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का नाम देते हैं, जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हैपनिंग है, एल्वोलाई भी यहाँ पे मौजूद है। और देखें वापसी भी जाने के लिए क्या दिखाया उन्होंने, एक पल्मोनरी वेन है एंड लिम्फेटिक्स जो है, लिम्फेटिक्स है, पल्मोनरी वेन है, ये इसके सेंटर के सेप्टम के साथ साथ जा रहे हैं, ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इसका है, ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इस पार्ट का है, ये और भी दिखा सकते हैं, ये दो दिखाए गए यहाँ पे, तो ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम के साथ ही जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक्सचेंज हो गया है, इसको स्पेस इतनी एरिया नहीं चाहिए, सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, इसको सरफेस एरिया थोड़ा चाहिए, तो ये वापस ले के हार्ट की तरफ ले जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स एंड लिम्फेटिक्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी था, बहुत एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये बात हमने अभी बता दी आपको सारा कुछ, कैसे ड्रेनेज होगी, कैसे होगा। अब समटाइम्स देयर इज एन एक्सेसरी आर ज़िगोट लोब एट द लंग एपिक्स के ऊपर, एक ज़िगोट लोब होता है छोटा सा, यानी डिप्रेशन होता है, इंडेंट्स, इंडेंट्स का मतलब है थोड़े से फिशर की तरह बन जाना, डिप्रेस हो जाना एरिया। कोई भी चीज़ ऐसे गुजरती है, जैसे वायर हम गुजारते हैं तो
दीवार में से हो उसको थोड़ा सा पार्ट के अंदर दाखिल कर देते हैं। इस तरह की जो लोब है वो एपिक्स ऑफ द राइट लंग साइड पे मौजूद होती है, जाइगोज वेन होती है। वेयर द जाइगोज वेन इंडेंट्स द सुपीरियर लोब को इंडेंट करती है, उसके अंदर दबा देती है उसके अंदर, यानी कि एक रास्ता बनता है, यानी ऊपर से वो जहरी तौर पर नजर ना आए जाइगोज वेन, वो अंदर दब जाए ताकि वो अंदर सेफ्टी उसकी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो लंग के ऊपर से अगर कोई चीज़ टच होती है या कुछ होता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया द थोरेसिक सर्जन मस्ट नो द लोकेशन ऑफ द वेरियस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स एज द क्लिनिकल कंडीशन मे रिक्वायर द रिमूवल ऑफ आइसोलेटेड सेगमेंट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सराउंडिंग लंग टिश्यू। कि एक अगर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन्वॉल्व है तो उसको ही निकाला जा सकता है, सब को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सराउंडिंग टिश्यू को बचाने के लिए ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है थोरेसिक सर्जन को खास तौर पे पता होना चाहिए लोकेशन का, कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहाँ कहाँ मौजूद है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। अगर एक ही डिस्टर्ब हुआ है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट तो उसी को रिमूव कर दिया जाए, बाकी लंग जो है वो काम कर सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, जो हमने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में बताया। यूजुअली द इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू इट, यानी कन्फाइंड भी कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हैं, उसी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में रहेगा। ऑल दो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काज करते हैं, एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मे स्प्रेड फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एक होता है जो कि ब्रोंकियोल को ख़राब करता है, कैंसर काज कर देता है, और वो जो है अगले भी स्प्रेड कर सकता है दूसरे पार्ट्स, यानी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसमें भी एंटर हो सकता है और उसको भी डिस्टर्ब करता जाएगा। तो इसलिए डायग्नोसिस से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह है। थोरेसिक सर्जन जो है पल्मोनोलॉजिस्ट है वो इसको गौर से देखेगा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। लाइक मैंने आपको फिगर दिखाई हुई है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक की दिखाई हुई है, इस तरह के 10 होते हैं, एक में 9 होते हैं। ये फिगर है अजाइगोज वेन इंडेंटेशन, ये थोड़ी सी डिप्रेस पोर्शन नजर आई है, अजाइगोज वेन यहाँ से गुजरती है, ये हाइलम दिखाया हुआ है, हाइलम ऑफ द लंग दिखाया हुआ है। इसी तरह सुपीरियर वेना कावा इंडेंटेशन भी यहाँ पे होती है, राइट इंटीरियर बॉर्डर भी होता है, ये वाला राइट कार्डिक इंडेंटेशन है, यहाँ पे हार्ट इसके साथ अटैच होता है, कार्डिक इंडेंटेशन उसे कहते हैं, राइट ये लोब दिखाया हुआ है। ये नहीं कार्डिक इंडेंटेशन राइट वाले पे तो नहीं है, ये नाम सिर्फ राइट वाले लोब पे दिखाया है, तीन लोब्स है ना इसके। इसके बाद अजाइगोज वेन इंडेंटेशन है, अजाइगोज वेन का राइट पोस्टीरियर बॉर्डर राइट मीडियल सरफेस है, और ये अजाइगोज वेन का थोड़ा सा बताया हुआ है, अजाइगोज वेन कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है और हार्ट में ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा एक हेमी अजाइगोज वेन भी होती है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स के बारे में है सारी इंफॉर्मेशन, जाइगोज वेन हैमिया जाइगोज वेन क्या काम करती है, कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी, कहाँ लेके जाती हैं, और ये हार्ट के अंदर सप्लाई करती हैं, यानी अगर कहीं से रास्ता सुपीरियर वेना कावा का यानी फीरियर वेना कावा का ब्लॉक हो जाए तो ये अपना ब्लड वहाँ पे सप्लाई करती रहती है हार्ट को। यहाँ पे दिखाया हुआ है जाइगोज वेन इज प्रेजेंट इन दी हार्ट, ये वेना कावा के साथ यहाँ पे इनकी ओपनिंग है, यहाँ इसको दाखिल करेंगे, ये जाइगोज वेन का यहाँ पे ओपनिंग दिखाई हुई है हार्ट। इसके बाद ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में क्लियर मैंने बता दिया आपको। नाउ लेट अस सी द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन अनदर फिगर। ये लोब सेगमेंट्स दिखाए हुए हैं, लोब्स हैं छोटे छोटे, ये डिफरेंट टाइप के राइट लंग के, ये लेफ्ट के भी दिखाए हुए हैं। ये ब्रोंकियल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी है और ये टर्शरी ब्रोंकाई है, ये दिखाए हुए हैं, और ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होगा, ये सेंट्रली आ रहे हैं और ये जो वापस जाने के लिए वो दरमियान से भी जा सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखाया हुआ है यहाँ पे नर्व फिगर के थ्रू। और ये कॉमन प्रोसीजर एसोसिएटेड विद पल्मोनरी डिजीजेज में कॉमन प्रोसीजर क्या करते हैं, ये भी टेस्ट करने के मेथड्स हैं। वो कहते हैं वर्कअप फॉर पल्मोनरी डिसऑर्डर ऑफन इंक्लूड्स हीमाटोलॉजिकल, या तो ब्लड के सैंपल इसके लेते हैं, या सीरोलॉजिकल सीरम के टेस्ट लेते हैं, या बायोकेमिकल एंड रेडियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। रेडियोलॉजिकल कहते हैं एक्सरे के थ्रू, MRI CT स्कैन ये जो चीज़ें आ रही, पेट के थ्रू, प्लेन फिल्म रेडियोग्राफी सबसे पहले बताई हुई, चेस्ट एक्सरे जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले ये टीबी के लिए मुख्तलिफ डिजीजेस के लिए चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, उसे प्लेन फिल्म रेडियोग्राफी कहते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI कहते हैं,
ब्रोंकोस्कोपी होती है, ब्रोंको जैसे स्टेथोस्कोप, ब्रोंकोस्कोपी, लेनिंजोस्कोपी, ये ब्रोंको जो ब्रोंकियोल्स को चेक करने के लिए हम देखते हैं। सेगमेंटेक्टोमी यानी सेगमेंटेशन अगर काटना हो, रिमूव करना हो, इफियन करना हो, तो डॉक्टर उसको करता है, सेगमेंट को रिमूव करता है, उसके जरिए ये हम उसको सेव कर सकते हैं लंग्स को। तो इसके बाद टॉप 8 रिस्पायरेटरी इलनेसेस एंड डिजीजेस हैं। एस्दमा है सबसे पहले कॉमन, ये है जिसमें वीजिंग होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है और वीजिंग साउंड होती है, आवाज़ जो सीटी की तरह बजती है, एस्दमा होता है। ये क्रोनिक डिजीज़ है काफ़ी, एक दफ़ा हो जाती है तो ख़त्म नहीं होती, और क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा है, लंग कैंसर्स हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकी एक्टेसिस है, और ब्रोंकिकटेसिस जो है नमोनिया है, यानी जैसे आज कोरोना की वजह से नमोनिया हो रहा है, वायरल या ब्रोंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से नमोनिया हो रहा है, जैसे एस्टिमो हम देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन इसके खिलाफ देते हैं नमोनिया के खिलाफ, प्लूरल इफियन है, ये मुख्तलिफ जो डिजीजेज हैं चंद बताई गई हैं। ये वायरसेस दैट इन्फेक्ट दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस, और ये वायरसेस दैट इन्फेक्ट दी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कर सकते हैं। ये सेनोसाइटस बताया हुआ है अपर एरिया में, ओटाइटस कान बंद हो जाते हैं, ओटाइटस मीडिया के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि ENT का जो डिपार्टमेंट है वो ईयर नोज थ्राट वाला, ये सारा लंग्स के साथ रिलेटेड है, सांस के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। सेनोसाइटस भी हो सकता है, फ्रेंजाइटिस भी हो सकता है, लेरिंजाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस भी हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो मैंने चंद एक यहाँ पे बताई हैं, लेकिन मजीद जो है एक्सप्लेनेशन हिस्टोलॉजी जो है वो नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड जो पार्ट होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।